सांबर के ग्रामीण क्षेत्र तियोद में प्रशासन गांवों के संग अभियान के तहत कैंप आयोजित किया गया। सांबर के सांबर उपखंड अधिकारी प्रकाश रायकर ने पत्रकार डब्ल्यू गोस्वामी ब्यूरो चीफ राजस्थान को बताया कि इसमें 22 विभागों के अधिकारियों द्वारा मौके पर ही समस्याओं का समाधान करने पर बल दिया गया। इसमें 20 पट्टे का वितरण करने के लिए आज कैंपों में कोशिश करेंगे, जिसमें मुख्य रूप से चिकित्सा विभाग, जलदाय विभाग, बिजली विभाग, पंचायत विभाग, आंगनवाड़ी, नरेगा, परिवहन विभाग, श्रम विभाग, चिकित्सा विभाग, चिरंजीवी योजना, महिला बाल विकास विभाग आदि विभागों के द्वारा सेवा देने का कार्य किया। इस अवसर पर त्योद सरपंच हरदेव राम चौधरी ने बताया कि मुख्यमंत्री के प्रशासन गाँवों के संग अभियान से ग्रामीण लोगों को कम समय में कार्य हो सकेंगे, जिससे ग्रामीणों को फायदा होगा। दिव्यांग जनों को कैंप के द्वारा विशेष लाभ मिलेगा, साथ ही ग्रामीण के मौके पर ही नियमों के तहत कार्य हो सकेंगे। तो साहब, अभी पट्टे की तैयारी करीब करीब 15 से 20 पट्टे में गरीब लोगों को देने जा रहे हैं आज के शिविर के अंदर। आज के मतलब 15 से 20 पट्टे आप दे रहे हैं? 15 से 20 पट्टे लगभग लगभग तैयार हैं, उनको हम यहाँ डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और बाकी जो हमारे पास 50-60 फाइलें आई हुई है, उनको लगातार क्रम वाइज जैसे जैसे ग्राम पंचायत की मीटिंग होती रहेगी, वैसे वैसे उनका हम निस्तारण करते रहेंगे। और करीब करीब सभी को हमें ग्राम पंचायत की आवश्यकता, लोगों की आवश्यकता के अनुसार ग्राम प्रशासन गाँवों के संग अभियान जो राज्य सरकार द्वारा 2 अक्टूबर से संचालित किए जा रहे हैं, इसमें 22 विभागों के अधिकारी कर्मचारी आमजन की समस्या को सुनते हुए उनके जो विधि सम्मत काम हैं उनको तत्काल निस्तारित करने का प्रयास कर रहे हैं। मैक्सिमम जो पट्टे हैं जो विवादित नहीं है वो अधिकतम पट्टे जारी करने का प्रयास करेंगे। यहाँ ग्राम सेवक जी ने, बीडीओ साहब से मेरी चर्चा हुई, तो लगभग 20 पट्टे यहाँ अभी आज जारी तैयार पड़े हैं और उसके बाद और प्रोसेस में हैं, तो अधिकतम पट्टे जो पात्र लोग हैं और कानूनन सही हैं उनको जारी किए जाएंगे। इसके साथ ही हमारे जो राजस्व में खातों में शुद्धि है, किसका नाम अगर गलत अंकित हो गया, जमाबंदी में पहले वाली में सही था, बाद वाली में गलत हो गया, तो वो भी शुद्धि का काम भी चल रहा है। और हमारे जो राजस्व न्यायालय में कोई विवादित मामले हैं और पक्षकार आकर के समझौते से, आपसी राजीनामे से उसका अगर निस्तारण चाह रहे हैं तो उसको भी हम करने का प्रयास कर रहे हैं। अभी 1 कि 2 प्रकरण थे हमारे, तो उसमें हमने हमारे पटवारी गिरदावर को मौके पर भेजा है, दोनों पक्षकार सहमत हैं, तो हो सकता है 2-3 प्रकरण हमारे ऐसे भी निस्तारित हो जाएंगे। रोडवेज डिपार्टमेंट यहाँ के जो वरिष्ठ जन हैं उनका रियायती दर पे रोडवेज में श्रवण बाधित हैं, नेत्र बाधित हैं, इस प्रकार के दिव्यांग जन हैं या वरिष्ठ लोग हैं उनके पास जारी कर रहे हैं, ताकि यात्रा के दौरान उनको नियमानुसार छूट मिल सके। सहकारिता विभाग यहाँ पे लोन देने का काम और नए मेंबर्स बनाने का काम भी कर रहा है। इस प्रकार से 22 विभागों के जो काम है सरकार की मंशा, एक नई योजना चालू की है, उसके उनको हाथों हाथ ही श्रम कार्ड बनाया जा रहा है दस्तावेज प्रवान करने पे। आपका शुभ नाम सर? जगतपाल सिंह जी। किस पोस्ट में हैं? डिस्ट्रिक्ट मैनेजर जी। धन्यवाद मेरे चैनल की तरफ से, आपको हार्दिक बधाई। बिल्कुल बिल्कुल साहब। आज श्रम विभाग में क्या क्या आपने मतलब कितनी क्या काम किया है? श्रम विभाग की ओर से ई श्रम कार्ड का वितरण किया जा रहा है, जो भी मजदूर आ रहे हैं इनको हाथों हाथ अभी बना के दे रहे हैं। इसके अलावा जो भी जिनका श्रम कार्ड नहीं बना हुआ है उनका श्रम कार्ड भी हम बना के दे रहे हैं। तो इसके लिए जो भी आज तक दस्तावेज है उनकी जानकारी दी जा रही है और उनको बताया जा रहा है कि किस तरह से किया जाएगा ये। और योजनाओं की जो श्रम विभाग की 13 योजनाएं उनके विषय में उनको पूरी जानकारी दी।